नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से कुछ ऐसी खबर सामने आती है जिसको जानकर लोग चौंक जाते हैं। एक बार फिर से यूपी के मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। इस मामले का वीडियो खूब तेजी से वायरल भी हो रहा है और करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी इस तरह की हरकत की गई है और वो खबर कुशीनगर से सामने आई थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक घर पर पाकिस्तान का झंडा फहराए जाने का मामला सामने आया है। मामले में किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने पाकिस्तान के झंडे को घर से उतरवा दिया है। साथ ही मकान मालिक और उसके बेटे के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये घटना मुरादाबाद के भगतपुर थाना इलाके के बुरहानपुर गांव की है। यहां के भगतपुर थाना इलाके के बुरहानपुर गांव में कपड़े की दुकान करने वाले रईस और उनके बेटे सलमान ने सफेद और हरे कपड़े का कथित पाकिस्तानी झंडा बनवाकर अपनी छत पर लगा दिया। पड़ोसियों ने ये झंडा देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। छत पर कथित तौर पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ देखकर हर कोई हैरान था और किसी ने कथित पाकिस्तानी झंडे की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने घर पर फहरा रहे कथित पाकिस्तानी झंडे को उतार कर अपने कब्जे में लिया और झंडा लगाने वाले रईस और उसके बेटे सलमान को गिरफ्तार कर थाने ले गई। इस मामले में उनके खिलाफ भगतपुर थाने में धारा 153 ए और 153 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस दोनों आरोपियों से घर पर कथित पाकिस्तानी झंडा लगाने की वजह पूछ रही है तो वह कोई जवाब नहीं दे पा रहे। बता दें कि यूपी में ये पहला मामला नहीं है जहां पाकिस्तानी झंडे का मामला सामने आया है। उससे पहले भी 2022 में ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपने मकान पर पाकिस्तान का झंडा फहराए जाने का मामला सामने आया था। कुशीनगर पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था और पकड़े गए युवक का नाम सलमान था। जानकारी के अनुसार वह अलीगढ़ जिले में नौकरी करता था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई तो वहीं कुशीनगर में तिरंगे की जगह पाकिस्तानी झंडा फहराने का मामला सामने आया था। तो यूपी से इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से मुरादाबाद में एक घर पर पाकिस्तान का झंडा फहराए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में इस घटना की चर्चा हो रही है और कई प्रकार के सवाल भी किए जा रहे हैं। वही मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रईस के साथ उसके बेटे सलमान को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।